सतीश जी, मंगलाचरण यहीं से होना है, इन्हीं 8 सीटों से। मंगलाचरण कहिए, बिस्मिल्ला कहिए, कुछ भी कहिए, इन्हीं से होना है। और समाजवादी और बहुजन समाज की टोकरी में जो कुछ आया था 19 में, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं 8 से आया था। बसपा ने कुल 10 जीती थी, उसमें 3 यहां से थी। सपा ने कुल 5 जीती थी, उसमें 2 यहां से थी। कैसे देख रहे हैं इस पहली चुनौती को, पहले द्वार को युद्ध के? नहीं अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल सच है कि कोई भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 2019 से लेकर के और 2024 तक पहुंचते पहुंचते एक स्थिति में परिवर्तन आया जी। कि अगर आप विपक्ष के ऊपर ये सवाल उठा सकते हैं कि आप अपनी सीट बताइए कि कौन सी सीट से जीतेंगे, लेकिन आज बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रथम नहीं, दोनों चरणों के चुनाव में ये बताने की स्थिति में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहां दावा नहीं कर सकती कि ये सीट है और इस सीट के ऊपर हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, गठबंधन नहीं है इसमें कहीं कोई दोराय नहीं, लेकिन आपको एक बात और मानना पड़ेगा कि गठबंधन के साथ साथ एक चीज होता है बंधन, और बंधन होता है मतदाताओं के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में बंधन नहीं होता। आप अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो मूल वोटर है, जिसको आप ब्राह्मण समाज का वोटर भी कहते हैं, वो आम तौर पर पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस की तरफ नहीं दिखाई दे रहा, चाहे किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, इन दोनों चरणों के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का अगर मूल वोट माने, जिसको यादव समाज का वोट कहते हैं, वो उसकी संख्या यहाँ इस क्षेत्र में नगण्य है। यहाँ जितने दोनों चरणों के बीच में जो दलित है और जो मुस्लिम है, अगर इस आबादी का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं परिणाम बिल्कुल परिवर्तित होंगे। अब कहीं ना कहीं देखे, यहाँ मतदाता भी इंटरेस्टेड है, सिर्फ ये राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है, ये ऐसे वर्गों का भी चुनाव है जिनको लगता है कि सरकार ने उनको, उनके सामने हालात बहुत बेहतर नहीं किए, महंगाई चरम पे है, बहुत सारी चीजें हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर। सतीश जी दोबारा में आते हैं, ठीक, दूसरी बार में आते जोशी साहब, एम वाई में एम है भरपूर, वाई इधर है नहीं, 8 में, ठीक है ना, एक आध कहीं फुटकर हो, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन एम भरपूर है। इसी के कारण आप मुरादाबाद और रामपुर जीते थे 19 में, और मुश्किल ये कि इन्हीं दोनों सीटों पर कलेश हो गया। आपने मुरादाबाद में जहां 50% के आसपास मुस्लिम, वहां रुचि बीरा उतार दी आजम खान के चलते। अब एसटी हसन कह रहे कि आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया अखिलेश यादव पे, और उधर से अभी जेल के अंदर करवटे ले रहे हैं आजम खान साहब, वो करे बोलेंगे सिमाई खाने दो पहले, लेकिन उनके जितने शागिर्द थे रामपुर में उनने सबने विद्रोह कर दिया। आपकी जो जिला इकाई है रामपुर की सपा की, वो विद्रोह पर खड़ी हो गई इमाम साहब के खिलाफ। तो कैसे गाड़ी पार लगेगी भैया जोशी साहब? अमिताभ जी, जो अभी मैंने रिपोर्ट देखी, जो आपकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ, और मैं देख पा रहा हूं कि आपका भी बहुत एक लंबा अनुभव है, तो आपके एक्सपीरियंस को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि हम लोग भी 30 साल से इसी मिट्टी में घूम रहे हैं जी, तो हमारा भी एक अनुभव है, और मेरा जो अनुभव है 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का, वो अनुभव ये कहता है कि जो चुनाव होता है वो सत्ताधारी राजनीतिक दल का रिपोर्ट कार्ड, जो उनके पहले वादे थे, वादे बाद में जुमले हो गए, जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है चुनाव केवल उन मुद्दों को लेकर है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी लोग, जिके लोग और प्लस कांग्रेस के लोग और हमारे साथी लोग निश्चित तौर पर जनता की अदालत में जाएंगे, और जितने पैनलिस्ट साथी बैठे हैं सबका राजनीतिक अनुभव होगा। लेकिन ज्योतिष तो कोई भी नहीं है जो ये बता देगा सीट का रिजल्ट ही होगा। एक अनुमान लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, प्रशांत भाई भी लगा सकते हैं, अमन भाई भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और मुझे लगता है जिस सूत्र पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है वो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, वो पीडीए प्लस इंडिया का, यही हमारे जीत का। ठीक है जोशी साहब, लेकिन मसला वो है कि
उनका क्या होगा आजम खान साहब का, उनका भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं तो हो इतनी गंभीर बातों में बहुत अकादमिक किस्म की बातें न समझता हूँ न करता हूँ। मेरी मान्यता है और अपनी मान्यता पर मैं बिल्कुल खूंटा गाड़ खड़ा होता। मेरी मान्यता है प्रदेश में देश में क्या है मैं नहीं जानता, पीडीए कि सीडीए। रामपुर में समाजवादी पार्टी का ए टू जेड मतलब है आजम खान, वही कमेटी है, वही उम्मीदवार है, वही सब है जो कुछ है। ठीक, वहां साइकिल के दोनों पहिया आजम खान ही है, वहां और कोई गणित नहीं चलता जितना मैंने रामपुर को देखा मित्र। ठीक, और चाचा करवट ले रहे हैं आजम खान के कहने से आजमगढ़ में कोई वोट पड़े ना पड़े, लेकिन रामपुर में तो कुछ ना कुछ हिलाने डुलाने की स्थिति में है ना। इसलिए मैंने कहा कि इस पर बहस करें, पीडीए प्लस इंडिया ये थ्योरी है क्या, अब प्रैक्टिकली का समय आ गया, थ्योरी के पर्चे हो गए, अब तो प्रैक्टिकल के पर्चे आ गए भैया। 14 से बहन जी निकल रही, कल से शायद अखिलेश जी निकलेंगे। भैया प्रशांत पटेल जी, जी इस बार कुछ आप, हालांकि ये भी है कि चुनाव आता है तो कुछ जातीय संगठनों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि भाई आप लोग अपना कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा हमने देखा 22 के चुनाव में कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के कारण पिछड़ा और दलित बहुत नाराज है भाजपा से और कतई एक वोट नहीं देगा और सब अखिलेश यादव को वोट करेंगे, बहन जी को वोट करेंगे। वो 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आए वापस, 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ के वापस आए। तब मैंने ऐसी बहसें की थी जब लोग मुझसे कहते थे सतीश भाई जैसे विद्वान लोग, ये नहीं इनके जैसे लोग, कि नहीं वो दलित भी नाराज है पिछड़ा भी नाराज है भाजपा से, क्यों नाराज है बोले योगी आदित्यनाथ के कारण। अब उल्टी बात कही जा रही, अब कहा जा रहा कि ठाकुर नाराज है और ठाकुरों ने तय कर लिया कि भाजपा को सबक सिखाना है। क्या स्थिति है भैया प्रशांत पटेल, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हो कि 80 में 80 हमारी या 400 पार, तब आपके लिए तो हर चरण हर सीट उतना ही बड़ा इम्तहान है। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार, सही कहा आपने। अभी आपने मानी राजनाथ सिंह जी का भी वीडियो चलाया जिस पर उन्होंने बताया कि हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ इस तरह का प्रोपोगंडा विपक्ष द्वारा फैलाया जाता है। क्योंकि विपक्ष की और कांग्रेस की राजनीति इस प्रकार रही 70 साल में कि बांटो और राज करो, हिंदुओं को जात के आधार पर डिवाइड कर दो और मुस्लिम का एक मुफ्त वोट ले लो, बढ़िया उनका समीकरण बन जाता था, वो लोग 60-65 साल तक सरकारें चलाते रहे। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने एक समीकरण बनाया, सभी लोगों को साथ लेकर के चले, सभी जातियों को संप्रदायों को धर्मों को उन्होंने समान रूप से रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। तो आज जो हमारा विनिंग फार्मूला बना है उसका कार्ड किसी के पास है नहीं। आज हम 50-52% वोट लोकसभा में पा रहे हैं, 43-44% उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पा रहे हैं, तो उस फार्मूले की कार्ड किसी के पास है नहीं। तब अभी तक तो हम देख रहे थे लगातार, हम टीवी डिबेट्स में लगातार 2017 से जवाब दे रहे हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है, स्वजातीय लोगों को बचाया जा रहा है, स्वजातीय लोगों का वर्चस्व है। अब आज इस तरह की बातें आ गई, भाई वही लोग नाराज हो गए, ये कहां से उल्टी गंगा बहने लगी। अभी कोई दो चार लोग समाज में चलाने लगे, अभी समाज में देखे तब ये होता है कि जो लोग उपद्रवी प्रवृत्ति के होते हैं थोड़ा सा उनकी आवाज अधिक आती है, जो शांत प्रवृत्ति होते हैं बेचारे अपने घर में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, समाज में थोड़ा सा उद्दंड प्रकृति के होते हैं वो चिल्लाते लगता है समाज की आवाज है। तो इस तरह के जो उद्दंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं हर धर्म में हर समाज में हर वर्ग में होते हैं, वो जब चिल्लाते हैं लगता है कि यही इनकी वॉइस है, होता नहीं है। और दूसरी बात, जो भाजपा का वोटर होता है सदैव शांत रहता है, भाजपा का जो वोटर है चुपचाप वोटर के वोटिंग के दिन जाता है, वो बटन दबा के कमल का चलाता है, वो चिल्लाता नहीं है। 2022 के पहले भी इसी तरह बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनेता थे मौर्जी जैसे, लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि जो इस तरह के पदवी प्रवृत्ति के लोग थे चिल्ला रहे थे, अरे भाई जाट नाराज है, कोई कह रहे थे अनुसूचित नाराज है, कोई कह रहे थे पिछड़ा नाराज है, उनके चक्कर में फंस गए, उनको लगा ये तो भाजपा की सरकार जाने वाली है। और जब परिणाम आया मार्च में 2022 में तो कुछ अलग ही आ गया, वो पश्चिम में हुआ। इसी प्रकार अब ये शोर इस तरह मचवाया जा रहा है प्रोपेगेंडा के तहत कुछ लोगों द्वारा, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि कोई राजपूत कोई हमसे नाराज नहीं है, सभी लोग हमारे साथ हैं और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भी हम 400+ सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। आज तो विपक्षी पार्टियों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं तो कहां से लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक, अमन पांडे के पास आऊं, उससे पहले एक बात कहूं, हम जैसे लोगों के लिए या सतीश प्रकाश जैसे लोगों के लिए ये ध्यान रखना चुनाव में हमेशा चाहिए, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा होता रहा, इसलिए कह रहा हूं कि सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। सतीश जी सावधानी हटी, जरा चश्मे पे धुंध आई, नहीं अभी नहीं आएंगे, नहीं अभी आएंगे, नहीं आएंगे बाद में, चश्मे पे जरा धुंध आएगी, गलत निकल जाएगी बात। कहा गया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की गहलोत और बघेल ने, ठीक, अब बम्पर वोट पड़ेगा और वापस हो, बड़ी बहुमत के साथ वापस आ रही सरकारें। मेरे पास उस आंदोलन से जुड़े लोग आए, सतीश जी सच्ची घटना बता रहा हूं, इससे आपको भी अभी चुनाव लंबा है, थोड़ी मदद मिलेगी। बोले भाई साहब क्या है, मैंने कहा अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम में देखूंगा, वहां ओपीएस बहाल करने वाली सरकार बहाल होती है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर आपके संगठन की ताकत पर कैसे कोई यकीन करेगा। उत्तर प्रदेश में जोशी जी को याद होगा या ना हो, अब याद आ जाएगा, कागज पर जोड़ा गया कि भाई इतने हजार अनुदेशक, इतने हजार टीटी, इतने हजार शिक्षा, इतने लाख शिक्षा मित्र, इतने इतने सब जोड़ करने वाला एक करीब 2.25 करोड़ का मामला आया। बोले ये सब तो भाजपा से 100% नाराज है, 2.25 करोड़ जब कागज पे आ गए तो बोले हो गया चुनाव, अब क्या है, चुनाव हो गया, अब तो घोषणा होनी है। लेकिन परिणाम दूसरा आ गया। इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहां सावधानी हटती है और कहां दुर्घटना घट जाती है जोशी साहब। और ये मैं छोटे मोटे लोगों के नहीं बता रहा, मैं एक बहुत बड़े नेता के साथ विपक्ष के बैठा था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के पहले 5 लोगों में आएंगी, उन्होंने कागज पर हमारे सामने जोड़ा, बोलो भाई जब 2.25 करोड़ आदमी लिखा पड़त में है नाराज, क्या कागज कहीं होगा, मेरे पास पड़ा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए चुनाव बहुत विचित्र किस्म की केमिस्ट्री है। अमन पांडे जी, एक बसपा के नेता और बसपा पश्चिम में बसपा के साथ गुजरों को जोड़ने और मिलाने का जो एक पुल का काम करते थे मलूक नागर, उनके भाई, वो आज इधर आ गए, वो आना तो बीजेपी में चाहते थे, लेकिन हो सकता को प्रशांत पटेल ने कहा हो कि इधर से नहीं उधर से घूम के आओ, डायरेक्ट ना जुड़ो उधर से जुड़ जाओ। तो बात एक ही है, अरे भाई घी थाली में, दाल में गिरे चाहे सब्जी में गिरे, गिरेगा तो थाली में। तो मलूक नागर इधर आ गए, मैं जयंत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई फूल को पानी मिलेगा फूल और खिलेगा, बोले साइकिल, बोलो साइकिल में ज्यादा पानी हो जाता तो रपट नहीं जाती साइकिल, इसलिए हम इधर आ गए। जोशी जी कह रहे हैं कि ना केवल पीडीए चल रहा है पश्चिम में, कुछ नहीं चल रहा है। जी लोकसभा का हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है छात्रसभा की, और हम लोग लगातार यहाँ पर घूमने का काम कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, सतीश जी जो स्टार्टिंग में कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि 8 में से कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जहां पर हम लोग एनडीए जीतने का काम कर रही। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर कोई फाइट नहीं। इवन जो 8 की 8 जो पहले चरण में चुनाव है वहां पर सपा फाइट में नहीं है, और जब हम गाँवों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहां के लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम जयंत चौधरी जी के साथ हैं, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो तो आया ही नहीं हमारे पास में, आप लोग आए तो कम से कम। और प्लस जो मोदी जी ने काम किया उसके साथ है, योगी जी ने सरकार चलाई उसके साथ, विपक्ष कहीं पर भी, पहले चरण में बोल सकता हूं कि विपक्ष कहीं पर भी नहीं है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे इन्होंने अपने कैंडिडेट को बस छोड़ दिया, वो कैंडिडेट अपने दल पे, अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनका कैडर कहीं नहीं दिखाई दे रहा वहां पर, इनके नेता निर्धारित है वहां पर। और अब जब चुनाव में वोटिंग में मेरे ख्याल में 10 दिन या 7 दिन का समय है, 17 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, तब ये अब प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हम कब जाएं, कब जनता के बीच में जाएंगे, जनता भी सब सोचती है। और अमिताभ जी एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए, कई अभी समाजवादी पार्टी के साथ बता रहे थे कि चुनाव समीकरण का होता है, चुनाव में कई समीकरण, जाति, देखिए वो सब बात ठीक है, लेकिन चुनाव कभी कभी जन भावनाओं का भी होता है, और जब आप जन भावनाओं को आहत करने का काम करते हो तो जनता साइलेंटली उसको वोट करके
आपको वहां से हटा दे, और वही काम देखिए लगातार जनता कर रही है 2014 से, और 2024 आ गया, आज 10 साल हो गया। विपक्ष अभी भी समझ नहीं पाया कि वो क्या गलत कर रहा है, अभी तक इनको समझ नहीं आया कि वो गलती कहां पर है। नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि पिछला छोड़ो, आपकी हम पीडीएल आए हैं,